अस्सलाम वालेकुम, फेस टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं साइमा खान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि करप्ट निज़ाम से मुस्तफीद होने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में परफॉर्मेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जरूरी है हम अपनी हुकूमत के आखिरी दो साल अहदाफ मुकर्रर करके उनका सहमाही जायजा लें। रवा एक साल हमारे लिए बहुत अहम है, हमने रवा साल अहदाफ मुकम्मल किए तो आइंदा साल आसान होगा। हुकूमत में होते हुए अपनी कारकर्दगी का जायजा लेना जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी शराकत दारों के साथ खित्ते में फरोग अमन के लिए पुरअज़्म है और हर तरह के खेलों, सियाहत और कारोबार के लिए महफूज मुल्क है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान में यूनान के सफीर ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूनान के सफीर ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत इलाकाई सिक्योरिटी, अफगानिस्तान की सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी तआवुन पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने शहर में नालों के अतराफ तजावजात के खात्मे से मुतालिक मुकदमात की समाअत के दौरान सिंध हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सिंध हुकूमत में कुछ नहीं हो रहा, सिंध में दर्द सर वाली सूरत हाल है, वर्ल्ड बैंक के कितने मनसूबे हैं मगर कुछ नहीं हो रहा, वुज़रा और बाकी सब के लिए फंड्स हैं, बाकी सारे उमूर चला रहे हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में रवमारी साल के दौरान महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर किया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें कहा गया है कि कोरोना वबा के बावजूद पाकिस्तान की मुआशी सरगर्मियां फरोग पा रही हैं, निजी सरमायाकारी को तहफ़ की फराहमी से कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं, बेहतर पॉलिसियों के बायस मैनुफैक्चरिंग के शोबे की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी हुई। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली से खिताब में एक बार फिर मसला कश्मीर उठा दिया। अपने खिताब में तैयब उर्दवान ने कहा कि कश्मीर में 75 बरस से जारी जुल्म खत्म करने की जरूरत है, मसला कश्मीर के हल के लिए तुर्की कश्मीरियों के साथ है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की जानिब से दौरा पाकिस्तान मनसूख करने के पीछे पड़ोसी मुल्क के मुलवस होने के खदशे का इजहार किया। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी करवाई थी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल कोई है तो सिर्फ नून लीग है, क्योंकि किसी जमात के पास ना हमारे जैसा लीडर है और ना हमारे जैसा वोट बैंक। पार्टी इजलास से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि हमारे हर लीडर को जबर और जुल्म का सामना है, इसके बावजूद कैंटोनमेंट बोर्ड में शानदार कामयाबी मिली। मुस्लिम लीग नून कितनी बड़ी ताकत है इसका अंदाजा उसके दुश्मनों और हुकूमत को बखूबी है, लेकिन खुद मुस्लिम लीग नून को नहीं है। अपोजिशन पार्टियों के इतिहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तर्जमान हाफिज हमदुल्ला का कहना है, इमरान खान अपोजिशन में थे तो वक्त के हुक्मरान के एहतसाब के लिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों की मिसालें दिया करते थे। उन्होंने कहा कि आज एक आम पाकिस्तानी पूछ रहा है कि खान साहब को बैरून मुल्क से क्या तहाइफ मिले, लेकिन आज रियासत मदीना जैसी मिसाली रियासत कायम करने की दावेदार इमरानी सरकार वो तफसीलात देने से साफ इनकार कर रही है।
ओ भिटा जा भिटाई भिटके वसई नूर मुझु तो पुजायू ओ मुझु तो पुजायू मन जो उमेदू मुझु तो पुजायू मन जो मुरादू ओ भिटा जा भिटाई भिटते वसई नूर मुझु तो पुजायू। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का उर्स अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है, जबकि उनके उर्स के मौके पर सिंध हुकूमत ने आज सिंध भर में आम तातील का ऐलान किया है। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 47 अफराद इंतकाल कर गए और 2333 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 51,139 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2333 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 47 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.56% रही। अक्वामे मुत्तहिदा के सालाना जनरल असेंबली इजलास में शरीक ब्राजीलियन वजीर सेहत का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, जिसके बाद वो अमेरिका में ही क्वारंटीना हो गए हैं। फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी FPA के मुताबिक ब्राजीलियन हुकूमत की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज में बताया गया है कि वफ के दीगर अरकान के भी कोरोना टेस्ट करवाए गए, जो कि मनफी आए हैं। कोयटा में कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर पेट्रोल बेचने वाले पेट्रोल पंप्स सील करने पर एहतजाज किया गया। बलूचिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कोयटा के तमाम पेट्रोल पंप बंद कर दिए, जिसकी वजह से शहर में पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई और शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ को इलाज के लिए अमरीका ले जाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान और एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना है कि सिंध हुकूमत ने एयर एम्बुलेंस के लिए अदायगी कर दी है। मुर्तजा वहाब का कहना है उमर शरीफ को अमरीका मुंतकिल करने के लिए 2,84,98,000 रुपए अदा कर दिए गए हैं। पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने घी की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल वहीद का कहना है कि पाकिस्तान में घी की सालाना खपत 45 लाख टन है, कीमतों में कमी का इतलाक फौरी तौर पर होगा। मॉनसून का नया सिस्टम सिंध में दाखिल हो गया है, जिसके बाद कराची में कहीं बूंदा बांदी और कहीं तेज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मॉनसून हवाएं आज से सुबह सिंध पर असरअंदाज हो सकती हैं। कराची में आज मतला जुजवी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के लिए ऐलान करदा स्क्वाड में शामिल कौमी क्रिकेटर्स आज वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात करेंगे। जराए के मुताबिक ये मुलाकात आज से पहर 4 बजे वजीर आजम हाउस में होगी। मुलाकात में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा भी शामिल होंगे, जो न्यूजीलैंड और बरतानिया के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी के बाद बोर्ड सरबराहान से बातचीत के बारे में वजीर आजम को आगाह करेंगे। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि वो अगले साल शेड्यूल दौरे पाकिस्तान के हवाले से सूरतेहाल का जायजा ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को टेस्ट, वनडे और T20 मैचेस पर मुश्तमिल मुकम्मल सीरीज के लिए अगले साल फरवरी मार्च में पाकिस्तान का दौरा करना है। ताहम न्यूजीलैंड का पाकिस्तान आमद के बाद सिक्योरिटी थ्रेट का बहाना करके अचानक दौरे से दस्तबरदार होना और फिर इंग्लैंड के यहाँ आने से इनकार के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम के दौरे पर भी सवालिया निशान लग गया है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फैज़ टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फॉलो करें, लाइक करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ टीवी नेटवर्क, और क्लिक करें बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fez.tv।